अभी तक हमने ये कर लिया है कि हमने राउटिंग सीख ली थी रिएक्ट की ऐप में, हमने चार पेजेस बना लिए थे ये रिएक्ट राउटर के नाम से, ये लास्ट क्लास में ये कर रहे थे हम। अच्छा, साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में एक और काम कर लिया था कि साइनअप की एपीआई को इंटीग्रेट कर लिया था, लेकिन असल में हुआ ये कि मैंने कॉपी बनाई थी उस फोल्डर की, लेकिन काम मैंने यहीं पर कर दिया था। ठीक है, तो मैं उसको ज़रा सही जगह ले आता हूँ, जरा पेजेस के अंदर मैं जाता हूँ और ये साइनअप डॉट जी एस एक्स जो है ये असल में इट वॉज सपोज टू गो इन लॉग इन ऐप ना जो ये, अच्छा एक्चुअली वो इसी की कॉपी है, उसी की कॉपी बनाई थी मैंने, लेकिन कॉपी बनाने के बाद बजाय कि मैं कॉपी में काम करता मैंने एक्चुअल वाले में ही कर दिया। तो मैं इसको ज़रा यहाँ मूव करा देता हूँ, मैं साइनअप डॉट जी एस एक्स पे जाता हूँ और ये वाला पूरा का पूरा यहाँ से मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इस वाले को मैं कट करके वापस वहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, चीज़ों को मैंने अपनी जगह पे पहुँचा दिया। अच्छा, और मैंने साइनअप वाले में क्या काम किया था, कोई ऐसा काम और तो नहीं किया था ना मैंने? हाँ, आई थिंक और तो कोई ऐसा काम नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये साइनअप का कोड मैंने अपनी सही जगह पे पहुंचा दिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो नंबर 8 वाला है रिएक्ट राउटर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारा सारा काम ये 9 वाले में हो रहा होगा। ठीक है, इसका नाम लॉग इन साइनअप ए पी आई इंटीग्रेशन है जो, ठीक है, इसके अंदर सारा का सारा काम हो रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस 9 वाले फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, 9 वाले फोल्डर में मैंने कहा एन पी एम रन डेव, तो इससे इसका सर्वर रन हो जाएगा और देन मैं इसको कहता हूँ सी डी वेब और वेब में एन पी एम स्टार्ट लिखता हूँ तो इससे मेरा फ्रंट एंड रन हो जाएगा। ठीक है जी, सर्वर और फ्रंट एंड दोनों मेरे पास क्या हो चुके हैं, यहाँ पे रन हो चुके हैं। ठीक है जी, ये सर्वर और फ्रंट एंड मेरे पास दोनों रन हो चुके हैं। साइनअप की ऐप पे जाता हूँ मैं और जस्ट इसको मैं एक बार साइनअप चला के देख लेता हूँ कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैंने कुछ और भी काम अगर किया हो इसमें वो लेकर ना आया हूँ मैं इधर। मैंने कहा कि नेम जी मलिक और मैंने कहा कि जी ए बी सी एट द रेट ए बी सी डॉट कॉम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है। पासवर्ड डू नॉट मैच पहले से ही क्यों लिखा हुआ रहा है यार, ये क्या बकवास है, हैं ये क्या सीन है यार। चल के देख लेते हैं जरा साइनअप डॉट जी एस एक्स में। पासवर्ड, ओके गॉट इट, इसके असल में सी एस एस की भी फाइल थी, इसमें सी एस एस की भी फाइल थी जो मैं वहाँ से लेकर नहीं आया। चलो वहाँ से वो भी लेकर आ जाते हैं। वेब एंड सोर्स एंड पेजेस एंड साइनअप, ठीक है, सी एस एस में मैंने ये 3 क्लासेस बनाई हुई थी जिसको मुझे यहाँ से कट करना पड़ेगा एक्चुअली, और मुझे वापस उसको अपनी सही जगह पर लाना होगा। ठीक है, साइनअप डॉट सी एस एस, ठीक है, अब सही है। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको अगेन, ए बी सी एट द रेट ए बी सी डॉट कॉम 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है, अभी अलग अलग मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, डू नॉट मैच। ठीक है, अब रेड कलर का आ रहा है, पहले ब्लैक आ रहा था। 5 लिख के जैसे ही करता हूँ तो अब इसको बोलना चाहिए कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अच्छा, दिस इज साइनअप V1 लिखा हुआ रहा है इसमें, दिस इज साइनअप V1 इसलिए लिखा हुआ रहा है क्योंकि सर्वर पे भी मैंने कुछ काम किया था। चलो उसको भी वापस लाते हैं उठा के बहुत सारा काम किया है इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम, आओ सर्वर पे चलते हैं। अच्छा, सर्वर पे एक्चुअली राउट्स पे जाना होगा मुझे और auth route.mjs जो है ना ये पूरा का पूरा मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये auth route पूरा का पूरा मैं उठा लेता हूँ यहाँ से और इसको मेरे इस वाले में, ठीक है, ये मेरे पास ये वाला है इस वक्त इसमें, तो इसके अंदर लाके उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ।
लेट्स ट्राई अगेन. ये क्या सीन है? कैन नॉट रीड डेटा. ओके, मॉड्यूल नॉट फाउंड. एक्चुअली क्योंकि मैंने सारा काम जब 8 में किया था तो मॉड्यूल भी मैंने 8 में इंस्टॉल किए हुए थे. अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना पड़ेंगे. ठीक है, कौन से हैं वो मॉड्यूल जो उसको नहीं मिल रहे? जेसन वेब टोकन नहीं मिल रहा. ठीक है जी, npm i json web token, यही था नाम इसका, जेसन वेब टोकन था या JWT नाम था? अच्छा, ये बिक्रिप्ट इसको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली. और MongoDB तो मिलना चाहिए. क्या छोटी सी गड़बड़ करने से ठीक है जी, मेरा सर्वर दोबारा रन हो चुका है. रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसको. ठीक है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल दिया इसने. ठीक है, मैंने कहा abc1.com, तो अब इसको साइन अप कंप्लीट कर देना चाहिए. ठीक है जी, साइन अप सक्सेसफुल, ग्रेट. इसका मतलब है मेरा यूज़र डेटाबेस में क्रिएट अप हो चुका होगा. अच्छा, अब आ जाते हैं हम लॉगिन वाले पेज पे. अच्छा यार, एक चीज़ मैं लास्ट बताना भूल गया था आपको, वो मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो मेरा साइन अप का पेज है ना, इसके ऊपर मेरे पास सजेशंस तो ये आ रही हैं, है ना. जब मैं इधर जाता हूँ, मैं नेम पे क्लिक करता हूँ ना, मेरे पास नेम जो पहले के लिखे हैं वो आ रहे हैं. ईमेल पे जाता हूँ तो ये सारा ईमेल आ जाता है. पासवर्ड पे जाता हूँ तो ये आ रहा होता है ना. ठीक है, लेकिन स्टिल इसमें एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, और ये ऑप्शन भी इस पर आने नहीं चाहिए, ये पता नहीं क्यों आ रहे हैं. ठीक है, गूगल क्रोम इंटेलिजेंट है शायद बहुत ज़्यादा, इस वजह से आ रहे हैं. इसमें ये ऑप्शंस भी आने नहीं चाहिए थे. ये ऑप्शन कैसे आते हैं, इसके लिए मुझे क्या करना होता है, ऑटो कंप्लीट MDN करके जाऊंगा ना. तो एक ऑटो कंप्लीट का एक एट्रीब्यूट होता है. ठीक है, ये इस तरह से होता है कि जहाँ पे नेम होगा ना, वहाँ पे मैं ऑटो कंप्लीट में ऐसे बताऊंगा कि यहाँ पे किस चीज़ का ऑटो कंप्लीट लाना है. ठीक है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ मेरे वाले में. मैं इनपुट फील्ड के फर्स्ट नेम में जाता हूँ और किसी भी जगह पे मैं ये कह देता हूँ, जस्ट एन एट्रीब्यूट, इसको मैं पहले लगा दूँ बाद में लगा दूँ, इट डजेंट मैटर. तो मैंने कहा भाई गिवन नेम होगा यहाँ पे. ठीक है, और क्या है इसमें, लास्ट नेम में इन्होंने लगाया हुआ है कि जी फैमिली नेम, तो मैं लास्ट नेम में ये लगा देता हूँ. ठीक है, ऑटो कम्प्लीट मैंने यहाँ मैंशन कर दिया. अच्छा, तीसरा जो ई मेल है उसके अंदर मैं लगाऊंगा जी के ऑटो कम्प्लीट ऑफ वाई. नहीं भाई, ऑफ मुझे किसी में भी नहीं करना. ठीक है, ये कह रहा है ऑफ. अच्छा, ऑफ पे करने से देखो सजेशन आना बंद हो जाती है. ठीक है, लेकिन मुझे तो ऑफ़ नहीं करना एक्चुअली. मुझे यहाँ पे क्या करना है, तलाश करना है कि ईमेल में क्या नाम होता है ऑटो कंप्लीट का. ये सब नीचे लिखा हुआ है, जो जो पॉसिबिलिटीज़ है ना यहाँ पे. ये आ गया ईमेल, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऑटो कंप्लीट इक्वल्स एन ईमेल. ओके, रिएक्ट के अंदर ऑटो कंप्लीट का सी कैपिटल है, राइट. तो मुझे वो ऊपर वालों को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, रिएक्ट में ऑटो कंप्लीट का ये सी कैपिटल है, जो मैं पहले लिख रहा था मैं कैपिटल सी नहीं लिख रहा था. अच्छा, तो ऑटो कंप्लीट ईमेल कर दिया मैंने यहाँ पे. अच्छा, अब पासवर्ड है और रिपीट पासवर्ड है, तो इन दोनों के लिए भी यहाँ पे देखते हैं क्या मौजूद है. अच्छा, न्यू पासवर्ड और
दूसरे में रिपीट में क्या लिखूंगा मैं, उसमें भी न्यू पासवर्ड लिखूंगा। अच्छा, न्यू पासवर्ड व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट और चेंजिंग पासवर्ड दिस शुड बी यूज्ड फॉर एंटर योर पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड। अच्छा, दोनों में सेम होगा, ठीक है, कन्फर्म के लिए भी यही है और एंटर के लिए भी यही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू डैश पासवर्ड, आ जाओ भाई लिख देते हैं। न्यू डैश पासवर्ड, ठीक है, और यही एग्जैक्ट सेम चीज मैं रिपीट वाले में भी लगा दूंगा। ओ यस, ऑटो कंप्लीट मुझे चाहिए था। टाइप के बाद मैंने ये लगा दिया, ठीक है, न्यू पासवर्ड। अच्छा, अब देखो क्या होगा, पहले मेरे पास ना एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा था, वो पता कौन सा ऑप्शन था, वो यहाँ पे था कि जनरेट न्यू पासवर्ड ना। देखो वो ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक शायद इसको समझ नहीं आया। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो होपफुली फिर आ जाएगा वो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा अभी भी नहीं आया वो, तो इसको एक काम करते हैं, एम टी केशे करते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, एम टी केशे हार्ड रिलोड किया। यार ये क्या बकवास है, अभी भी नहीं आ रहा। यहाँ पे एक ना जनरेट पासवर्ड आता है ना, अच्छा इसको मैं ज़रा इंस्पेक्शन करके देख लेता हूँ कि इसको को पता लगा है कि नहीं पता लगा। यार पता तो लग गया इसको, अच्छा इसमें और भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बर्थडे है, लैंग्वेज है, टेलीफोन नंबर है, यूआरएल, फ़ोटो वगैरह, एक्स वाई जेड सारे, जब जहाँ जहाँ ऑटो कंप्लीट अवेलेबल होगा ना वहाँ वहाँ ये होगा। यार ये पता नहीं जनरेट पासवर्ड क्यों नहीं शो कर रहा है, यार क्या सीन है इसके साथ। जनरेट पासवर्ड यहाँ पर आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, मगर यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पर एक आना चाहिए कि जनरेट न्यू पासवर्ड, अक्सर जगहों पे आ रहा होता है। मैं कोई दूसरा साइनअप फॉर्म ओपन करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसी रैंडम एक चीज़ लिख रहा हूँ, न्यूयॉर्क कॉफ़ी के पे साइनअप करना चाह रहा हूँ मैं, कोई रैंडम वेबसाइट का मैं साइनअप पेज ओपन करना चाह रहा हूँ। साइनअप तो है ही नहीं इसके अंदर यार, ये क्या सीन है, इसमें साइनअप ही नहीं है। यह मेरा कंट्रोल इनकॉग्निटो में जाके ना मैं बोल देता हूँ कि यार फेसबुक साइनअप, तो यहाँ पे जब मैं पासवर्ड में जाता हूँ ना, यार यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ये क्या सीन है, ये तो चलो शायद, अच्छा नहीं क्रिएट न्यू अकाउंट में चलता है, यहाँ पे तो चलो इनकॉग्निटो की वजह से शायद नहीं आ रहा, यहाँ पर तो शायद चलो एक इनकॉग्निटो की वजह से नाश हो कर रहा हूँ। कौन सी एक्सटेंशन, नहीं नहीं भाई वो आता है। यार ये क्या मजाक है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। ओहो अच्छा अच्छा वो एक्चुअली यहाँ पे राइट क्लिक करने से आ रहा है, ये रहा सजेस्ट पासवर्ड, सजेस्ट पासवर्ड करूँगा ना मैं तो ये एक न्यू पासवर्ड मुझे जनरेट करके दे देता है। ये ज़रा एक्सपीरियंस इन्होंने चेंज किया है मे बी, अच्छा तो मैं गलत उसको यूज़ कर रहा था इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा था। अच्छा वैसे कभी कभी यहाँ पे भी आ रहा होता था ये, मतलब जैसे मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ ना, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ रहा होता था, लेकिन अभी ये इसके ना लास्ट में आ रहा होता था, यह शुरू में आ रहा होता था। अच्छा इसी को अगर मैं सफारी पे ओपन करूँ, सफारी पे वो किस तरह से दिखा रहा होगा। पासवर्ड पे गया, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना सजेस्ट न्यू पासवर्ड, ये वाला ये आना चाहिए ऐसे।
तो इसने ना रैंडम ये मुझे पासवर्ड सजेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ, इसने बोला अदर ऑप्शन, तो यहाँ पे नो स्पेशल कैरेक्टर वाला अलग दे रहा है और इजी टू टाइप वाला अलग दे रहा है। ठीक है, अच्छा इसी को फिर मैं जब फायरफॉक्स पे ओपन करूँगा मे बी, तो मुझे ये डिफरेंट एक फायरफॉक्स पे मैं गया, और इसको मैं इसी पेज को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ईमेल पे जाके मुझे, हाँ यहाँ पे फॉरेन इसने यही दिया ना सीधा, यूज़ अ सिक्योरली जनरेटेड पासवर्ड, ये मैंने किया तो दोनों पे ये बना हुआ आ गया। तो अक्सर मैं तो आजकल जब साइन अप करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ ये वाला जनरेट करूँ ना पासवर्ड, तो ख़ुद से सेट ना करूँ, तो ये एक सिक्योर पासवर्ड जनरेट कर देता है, ज़रा लंबा चौड़ा सा होता है। और काफ़ी चीज़ों का ये ख्याल रखते हैं इस पासवर्ड में ना, कि कोई ऐसा मतलब अटैक वटैक से ज़रा महफूज रहे। तो वैल ये सब जगहों पे हमारे पास क्या हो गया, अब आना शुरू हो गया। आ जाओ वापस, लेकिन क्रोम वालों ने पता नहीं क्या बेवकूफ़ी की, इस पर राइट क्लिक करने से आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करो तब आ रहा है, अलग ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। अच्छा जी, तो ये हमने क्या देख लिया जी, ऑटो कंप्लीट वाला ये हिसाब किताब देख लिया इसका। चलो वापस है? नहीं तो पासवर्ड मैनेजर यूज़ होता है ना आजकल, तो वो वन पास होता है, और पता नहीं ये सारे ब्राउजर्स का अपना अपना पासवर्ड मैनेजर आ गया। फिर मैक में ये होता है कि वो कीचेन में सेव हो रहा होता है पासवर्ड वगैरह सब कुछ, तो अगर आपका जो आई क्लाउड है अगर वो आपको याद है तो सारे पासवर्ड आपको याद हैं, और जो अगर जो गूगल के यूज़र हैं उसमें ये होता है कि गूगल क्रोम के अंदर पासवर्ड स्टोर हो रहा होता है, तो आपके एंड्रॉयड में भी वही आ रहा होता है और मैक उस पर गूगल क्रोम पे भी वही आ रहा होता है सेम पासवर्ड। तो एज़ फार एज़ यू रिमेंबर योर गूगल पासवर्ड, तो वो सारे पासवर्ड आपके पास होते हैं। तो इस तरह से आजकल मामला चल रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो गए। अच्छा, दरमियान में इसके लिए इन्होंने किया था कि यार लॉग इन विथ गूगल करते थे, लेकिन लॉग इन विथ गूगल में ना कुछ और भी मसले मसाइल हैं कि जी आपका कुछ पब्लिक डेटा होता है वो ज़रा चला जाता है इसके साथ चपक के। तो अब ज़रा वो लॉग इन विथ गूगल वाला ट्रेंड जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम हो रहा है। अब बंदे बोलते हैं कि नहीं यार अकाउंट होना चाहिए डायरेक्ट मेरी ईमेल के ऊपर, और जो है ना उसका पासवर्ड जो है वो अलग होना चाहिए, क्योंकि लॉग इन विथ गूगल में ये होता है कि अगर गूगल का अकाउंट समहाउ आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है या वो टोकन लीक हो जाता है तो बड़ा ज़रा उसके अंदर दूसरे तरह के मसले हैं। फिर दूसरा ये कि जो ज़रा नॉन टेक्निकल बंदे हैं ना उनको लगता है कि मैं लॉग इन विथ गूगल करूँगा ना तो मेरा गूगल वो खोल लेगा, ये भी कुछ लोगों को लगता है। तो ज़रा इस वजह से अब क्या हुआ है, लॉग इन विथ गूगल वाले मामलात ना ज़रा अब डाउन हो गए, और अब लोग ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं ख़ासतौर पर नॉन टेक्निकल बंदे, तो उनको लगता है मेरा गूगल हैक हो जाएगा या कुछ गूगल की कोई चीज़ उसको पता लग जाएगी। ठीक है, और स्टिल अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो आपके गूगल से एसोसिएट हो जाता है ना वो अकाउंट, ईमेल से एसोसिएट होना और गूगल का टोकन मिल जाना ये दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि गूगल के टोकन से आपका पब्लिक डेटा भी आ जाता है और कुछ ऐसी जैसे आपका बर्थडे वगैरह वो रीड कर पाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ ईमेल पता है तो फिर नहीं होता। ठीक है, तो ये ज़रा सीन है। तो छोटा सा इसके अंदर ना डिफरेंस है लॉग इन विद गूगल में या गूगल को पासवर्ड याद रखवाने में। और फिर दूसरा जो ख़ास तौर पे जो आई क्लाउड वाले यूज़र हैं आईफोन वाले और मैक वाले, उनको ज़रा की चेन के ऊपर ना ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि की चेन में होता ये है कि आपका जो पासवर्ड होता है ना सारे क्रेडेंशियल होते हैं वो आपकी लोकल मशीन में सेव होते हैं। जैसे गूगल के केस में तो ये होता है वो क्लाउड पे भेजता है ना, ये क्लाउड पे नहीं भेजते, ये इसी हार्डवेयर के अंदर सेव करते हैं, और यानी कि ना की चेन के नाम से एक छोटी सी ऐप है तो वो इंक्रिप्शन वगैरह उसके अंदर सारी लगी हुई, तो इधर ही स्टोर करते हैं। हैं नहीं, हार्डवेयर फिर आपके फ़ोन में भी होता है ना, वही हार्डवेयर जितनी आपके डिवाइसेज है ना उन सब में वो हार्डवेयर पर इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। तो आप जैसे फ़ोन पर उठाते हो तो फ़ोन पे भी वो वही सजेशन दे रहा होता है, मिसाल के तौर पे जो वाईफाई का पासवर्ड है वो भी कीचेन में सेव करते हैं ये, तो अगर एक वाईफाई आपके मैक पे कनेक्ट हो गया तो आईफोन के ऊपर वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड आ जाता है आपके पास, यानी कोई एक भी डिवाइस कनेक्ट हो गई तो दोनों हो जाती है, तीनों हो जाती है। तो इन चीज़ों इसको मद्देनज़र रखते हुए भी ना तो वो नहीं करते ये, यानी ख़ासतौर पर जो एप्पल के यूज़र हैं वो लॉग इन विद गूगल से ज़रा भागते हैं दूर। ठीक है, अभी उन्होंने भी बाय द वे लॉग इन विद एप्पल भी निकाल दिया उन्होंने, लेकिन वो भी ज़रा एक उसकी अलग स्टोरी है। उसकी स्टोरी ये रखी है उन्होंने कि अगर कोई ऐप आईफोन के ऊपर ओपन हो रही है, आईफोन की ऐप है, तो उसके अंदर
आपने अगर तो सिर्फ ईमेल वाला लगाया हुआ है साइनअप तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी सोशल लॉगिन लगा हुआ है तो उस पर लॉगिन विद एप्पल होना ज़रूरी है। और लॉगिन विद एप्पल ज़रा उसकी लंबी स्टोरी है, क्योंकि वो $100 सालाना उसके चार्ज करते हैं डेवलपर अकाउंट के। तो आपके पास डेवलपर अकाउंट होगा तभी आप लॉगिन विद एप्पल लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो ये वाला सीन है। तो बहुत सारी जो वेब एप्लीकेशंस थी उन्होंने हाइब्रिड करके उधर डाला हुआ था आईफोन के ऊपर, तो उन्होंने आईफोन के ऊपर से या तो उसको हटा दिया या तो उसके ऊपर लॉगिन विद एप्पल भी उसके अंदर दे दिया। तो उन्होंने भी ज़रा बोला कि नहीं यार, अगर आप रखोगे ना सोशल लॉगिन दूसरा, तो हमारा सोशल लॉगिन सबसे टॉप पे होना चाहिए, उसमें दूसरे सोशल लॉगिन आएंगे बाद में, हमारा नहीं होगा। तो अगर अब इस तरह की नई ऐप को वो अप्रूव नहीं कर रहे जिसके अंदर लॉगिन विद एप्पल नहीं है ना, उसको अब वो अप्रूव नहीं कर रहे। या तो वो कहते हैं सारे सोशल लॉगिन हटा दो आप, सिर्फ ईमेल रखो। तो ज़रा ये भी एक चल रहा है मामला। तो वेल, ऑथेंटिकेशन यार हमेशा से वाइटल चीज़ रही है, तो इस चीज़ को लेके हर कोई सेंसिटिव है। वेल, तो मैंने आपको क्या बताया कि यार ये ऑटो कम्प्लीट वाला जो मंजन था, इसका एक्सपीरियंस जो है वो गूगल क्रोम वालों ने थोड़ा सा चेंज किया है। अच्छा जी, अब फाइनली हम आ जाते हैं लॉगिन के पेज के ऊपर। अच्छा जी, हमारा जो लॉगिन का फॉर्म होगा वो मोर और लेस इसी तरह का होगा। जस्ट उसके अंदर क्या होगा, ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको लॉगिन के पेज पर ले जाता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्म मैंने क्या कर लिया था, यहाँ से कॉपी कर लिया था और इसको मैं अच्छा जी, इसका नाम व्हाट, इसकी आईडी मैंने लॉगिन फॉर्म रखी हुई थी शुरू में, इसकी आईडी मैंने लॉगिन फॉर्म रखी हुई थी, हालांकि ये साइन अप फॉर्म है ना। वेल ठीक है जी, तो ये मेरा साइन अप है एक्चुअली। अच्छा, ये साइन अप हो गया मेरा। अब मैं आ गया लॉगिन वाले पे। अच्छा, लॉगिन वाले पे मुझे फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, ठीक है, और मुझे लास्ट नेम भी नहीं चाहिए। तो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को उड़ा दिया, मेरे पास जस्ट अब ईमेल है और मेरे पास अब जस्ट क्या है, पासवर्ड है। ठीक है, पासवर्ड इनपुट रेफ मुझे एग्जैक्टली इसी तरह चाहिए, बट ऑटो कम्प्लीट इसमें इस दफ़ा नया होगा। ऑटो कम्प्लीट इसमें न्यू पासवर्ड नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे पासवर्ड होगा। ठीक है, रिपीट पासवर्ड वाली चीज़ मुझे रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रिपीट पासवर्ड मुझे रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, मुझे जस्ट ईमेल और पासवर्ड चाहिए। और अब इसका ऑटो कम्प्लीट एक दफ़ा बल्कि देख भी लेते हैं इसका क्या है। करंट पासवर्ड है, ठीक है, करंट डैश पासवर्ड है, यूजर्स करंट पासवर्ड, करंट डैश पासवर्ड इसके अंदर मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, पासवर्ड इनपुट रेफ, ईमेल इनपुट रेफ, ये दो मुझे इनपुट रेफ चाहिए यहाँ से ना। तो मैं यहाँ पे से ये दोनों इनपुट रेफ उठा लेता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इन सबको, मुझे ऊपर से रिक्वायर करना है, एक्सियोस भी चाहिए होगा मुझे ऑब्वियसली। ठीक है, एक्सियोस भी मुझे चाहिए, वो भी मैंने कर लिया ऊपर। अच्छा जी, अच्छा, इससे मैंने ये उठा लिया। अब मुझे क्या चाहिए, सबमिट हैंडलर चाहिए ना। तो मैंने कहा कि जी इसका नाम होगा लॉगिन सबमिट हैंडलर, और फंक्शन मोर और लेस वही होगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये पूरा हैंडलर उठा लेता हूँ साइनअप वाला। ठीक है, क्योंकि काम मोर और लेस मैं वही कर रहा हूँ, तो इसी को उठा के मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि अब जी आपका नाम क्या है, लॉगिन सबमिट हैंडलर है। ठीक है जी, लॉगिन सबमिट हैंडलर में क्या कर रहा होगा कि जी सबसे पहले मैं प्रेवेंट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, पासवर्ड इक्वल्स टू है या नहीं है ये मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ट्राई पे मैं क्या करूँगा, एक्सियोस डॉट पोस्ट लॉगिन हिट करूँगा मैं यहाँ से, और लॉगिन पे मैं ईमेल और पासवर्ड उठा के भेज रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरी ये जो साइन अप वाली ही फंक्शन थी वो क्या हो गया यहाँ पे, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बात हो गई है, और रिस्पांस आने पे जो भी रिस्पांस बैकएंड से आता है वो मैं फ्रंट एंड पे क्या करा देता हूँ, शो करवा देता हूँ। ठीक है, शो करवाने के बाद क्या करता हूँ जी मैं, बस दैट्स इट, लॉगिन के पेज के ऊपर इससे ज़्यादा कोई काम है नहीं मेरे पास। फॉरगेट पासवर्ड की API हम बना चुके थे क्या, फॉरगेट पासवर्ड और चेंज पासवर्ड की भी API हम इंशाल्लाह बनाएंगे,
देखते हैं फिर कब हमें मौका मिलता है इसका। हाँ ऊपर स्टेट, कौन सी स्टेट बनाई है इसमें, तो कोई स्टेट नहीं है। हाँ यस, सेट अलर्ट और सेट एरर, ये वाली चीज़, अलर्ट और एरर के मैंने दो स्टेट्स बनाए हुए थे। हाँ इन दोनों स्टेट को बना लेता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, अलर्ट और एरर। तो ये सेट अलर्ट यहाँ हो गया और सेट एरर ये यहाँ पे हो गया। अच्छा इसका वो हाँ अलर्ट मैसेज और एरर मैसेज, ठीक है ठीक है। अच्छा इन दोनों को ये क्लास भी है ना, अलर्ट मैसेज और एरर मैसेज की क्लास भी है, जो मैंने साइनअप के ऊपर रखा हुआ था। तो ये ज़रा साइनअप से सीएसएस भी उठा लाता हूँ मैं इसकी, ठीक है, अलर्ट मैसेज और एरर मैसेज, और लॉगिन डॉट सीएसएस में इसको रख देता हूँ मैं, ताकि वो उसी तरह से रेड नज़र आए ना। अच्छा जी अब ज़रा हम ये साइनअप चला के देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी। बेस यूआरएल इज़ नॉट डिफाइंड, बेस यूआरएल जो है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है इसके अंदर। अच्छा बेस यूआरएल अभी मैं हर कंपोनेंट के अंदर ऊपर अलग से बना रहा होता हूँ कॉन्स्ट करके, बट दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। कॉन्स्ट बेस यूआरएल इक्वल्स टू, ठीक है 5001, ये हो गया जी मेरा बेस यूआरएल, ठीक है जी। रिफ्रेश, लॉगिन, लॉगिन के ऊपर मैं कहता हूँ कि जी abc@abc.com और 1 2 3 4 5 साइनअप, साइनअप में 401 आया, तो ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट जो सर्वर ने बोला था वो आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा क्या इसका था सही पासवर्ड, 1 2 3 4 था आई थिंक, अच्छा सर्वर पे कोई एरर आ गया, चल के देखते हैं सर्वर पे क्या हो गया। ये क्या सीन है, प्राइवेट की में क्या लिख दिया मैंने ऐसा यार। abc@abc.com, ठीक है ये, और ये आ गया मेरे पास एक इसका हैश, और अब एरर गेटिंग डेटा MongoDB एरर, चल के देखते हैं यार API में ऐसा क्या लिख दिया मैंने। ये मेरी जो API है यहाँ पे routes के अंदर आ रही होगी auth.mjs, अच्छा जी ये लॉगिन है, लॉगिन के पहले स्टेप में क्या होता है जी, ये होता है ये तो पास हो गया, उसके बाद ये डेटा गेट करता है, और डेटा गेट करने के बाद रिजल्ट करके उसको जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट भी करवा देता है। ये रिजल्ट यहाँ तक प्रिंट सही आ रहा है, अच्छा इफ़ नॉट रिजल्ट ये भी पास हो जाता है। अब आता है एल्स में इधर ये, और एल्स में ये वेरीफाई हैश को चलाता है, ठीक है वेरीफाई हैश को चलाता है। ये स्पेलिंग गलत है, ये लाइब्रेरी के अंदर ही गलत है एक्चुअली, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड और रिजल्ट डॉट पासवर्ड, इन दोनों को मैच करता है ये। अब एरर गेटिंग MongoDB डेटा यहाँ पे, सॉरी क्या, ओ एक सीक्रेट के नाम से एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो, शायद इसको मिल रहा नहीं है, देख लेते हैं डॉट ENV की फाइल के अंदर, ठीक है जी डॉट, हाँ ये नहीं मिल रहा है इसको एग्जैक्टली, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है यार। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक सीक्रेट के नाम से यहाँ पे सुपर सीक्रेट मैंने एक बना दिया यहाँ पे, ठीक है सुपर सीक्रेट मैंने बना दिया, बट आई थिंक इसका मसला नहीं था यार, इसका मसला अगर होता तो ये मुझे बोल, वैसे तो इसके अंदर एक स्टिल एरर है लेकिन वो उसको इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था, मैं चाह रहा था कि वो ज़रा आपको ना
JWT.sign के ऊपर अगर एरर आ भी रहा था तो देखो इसके दरमियान कहीं भी एरर आएगा ना ये तो जाएगा उड़ता हुआ इस कैच में और आ भी यहीं रहेगा। और यहाँ आने के बाद जो एरर का मैसेज है ना वो बोलता है कि ओके ओके सही तो कह रहा है ये, हाँ ना सही कह रहा है ये, सही कह रहा है, कह रहा है यार सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट हैव अ वैल्यू, यानी इस जगह पे उसको जो ना अनडिफाइन मिल रहा था। ठीक है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही बोला था इसने एरर। ठीक है अच्छा अब मैं कहता हूँ जी अच्छा इसके बटन पे अभी भी साइन अप लिखा हुआ रहा है, बल्कि बटन पे क्या होना चाहिए इसके लॉगिन होना चाहिए ना, लॉगिन लिख देते हैं बटन पे इसके हम। ठीक है और अगेन सर्वर पे कोई एरर आ गया, देखते हैं चल के क्या एरर है। ओके एक्चुअली होता क्या है कि इसको एप्लीकेशन को मुझे रोक के दोबारा चलाना होता है ना जब वो मुझे मिलता है .env ना, ऐसा ही है ना, सीक्रेट की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, SECRET सही, तो ऐसा स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। ठीक है प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट सही लिखी है स्पेलिंग। अब रोक के तो चलाना होता तो हर दफा खुद ही रीस्टार्ट हो जाता है। तो जब जब मैं सेव करता हूँ रोक के खुद ही स्टार्ट होता है, इसको ये मिल क्यों नहीं रहा अभी भी। अच्छा मैं अपने सर्वर डॉट mjs की फाइल पे देख लेता हूँ इसको चलाया हुआ भी है कि नहीं चलाया हुआ, यार इसको चलाया हुआ तो मैंने कहीं पे भी नहीं है .env को, .env तो चल ही नहीं रहा कहीं पे भी, ये क्या सीन है .env को मैंने कहीं पे भी नहीं चलाया हुआ। चलो एक काम करते हैं फिर सर्वर डॉट mjs के ऊपर इसको हम चला देते हैं। सही है किस तरह से होता है ये, इम्पोर्ट env/config.env/config इस तरह है। अभी क्या मसला है इसको, अच्छा .env जो है उसको मिल नहीं रहा। अभी अब सक्सेसफुल हो गया, ठीक है लॉग इन सक्सेसफुल। अच्छा जी लॉग इन सक्सेसफुल होने पे मुझे क्या चाहिए था, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन, इसको मुझे यहाँ नहीं रखना, एक्चुअली मुझे इसको यहाँ रखना है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुझे सर्वर से जो टोकन भेजा गया है, कौन सा टोकन मुझे भेजा गया है ये आ जाता हूँ मैं, ये हमने JWT की पूरी एक क्लास की थी उसमें हमने डिटेल में समझा था कि ये JWT का जो टोकन है ये किस तरह से चलता है, क्या चक्कर है। और ये मैंने रिस्पॉन्स के अंदर response.cookies के अंदर इसको टोकन के नाम से मैंने भिजवाया है और इसको HTTP ओनली ट्रू किया है और सिक्योर को भी ट्रू किया है इसके, ठीक है। और इसके अंदर कुछ पेलोड भी इसके अंदर रखवाया है मैंने। अब मेरे फ्रंट एंड पे आके देखता हूँ मैं कि आया कि मुझे ये कुकी मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक है नहीं मिलनी चाहिए एक्चुअली। मैं जाता हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर और मैं जाता हूँ यहाँ पे कुकीज़ के अंदर, ठीक है कुकीज़ नहीं मिली है मुझे। अच्छा कुकी मुझे क्यों नहीं मिली है, वो इसलिए नहीं मिली है कि फ्रंट एंड से जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी ना उसके अंदर मैंने ये बात नहीं बताया था कि ये रिस्पॉन्स में अपने साथ HTTPS ओनली कुकी लेकर आएगी। वो मैं कैसे बताऊँगा, वो मैं इस तरह बताऊँगा कि जब मैं exhaust.post करूँगा यहाँ से तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ता है, विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू लगाना पड़ता है। सही है विथ क्रेडेंशियल्स यहाँ पे मुझे ट्रू लगाना होता है। तो अब इसको पता लगता है कि अच्छा जी यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल का आना जाना हो सकता है। तो विथ क्रेडेंशियल ट्रू से क्या होता है कि अगर ऑलरेडी कोई कुकी सेव है मेरे पास ब्राउजर लेवल पे, है ना HTTPS ओनली कुकीज, तो वो साथ जाती है और वहाँ से कुछ आ भी सकती है। तो अब इसको ट्रू करके करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, कुकीज़ आ जानी चाहिए। अब जैसे ही मैं लॉगिन हिट करता हूँ तो यहाँ पे क्या एरर आया अबे क्यों आ गया, अभी तो नहीं आ रहा था ये, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइन ऑफ डेटा, व्हाट इज दिस डेटा, पता नहीं
अच्छा ये डेटा आई थिंक, हाँ वो पेज रिफ्रेश होने पे इसको मस्ती हुई है। इसके साथ नलिश ऑपरेटर लगा देता हूँ ताकि ये मस्ती ना करे। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अच्छा जी, मैं अगेन साइन अप का लॉगिन का बटन प्रेस करता हूँ। ये क्या चक्कर हुआ है, पूरी ऐप मेरी लालो लाल हो गई है। एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट हैज बीन ब्लॉक्ड। अच्छा ये इतनी देर से तो नहीं आई थी, लेकिन अब ये जो है ना चीज आ गई है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इसने क्या बोला है, यहाँ पे इसने ये बोला है कि भाई जब आप विद क्रेडेंशियल्स करके रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं ना, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेम ओरिजिन पे हों जिस ओरिजिन पे सर्वर चल रहा है। जब हमने प्लेन HTML से ये बनाया था तो उस वक्त तो ऐसा ही था कि मैं सेम उसी ओरिजिन पे था जिस ओरिजिन पे मेरा सर्वर था। अच्छा लेकिन अगर अलग अलग ओरिजिन पे मैं हूँ तो मेरे पास सर्वर पे कोर्स पॉलिसीज डिफाइंड होनी चाहिए। अच्छा ये गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है, ये ऐसा नहीं है कि आपके सर्वर को कोई हिट नहीं कर सकता। ठीक है, गूगल क्रोम के अलावा करेंगे तो हिट हो जाएगा। तो मैं ज़रा अपने सर्वर के ऊपर जो है ना कोर्स पॉलिसीज लगा देता हूँ। ठीक है, कैसे लगेगी मेरे सर्वर पे कोर्स पॉलिसी, सर्वर के मैं रूट फाइल पे जाऊँगा जो मेरी ये इंडेक्स डॉट सर्वर डॉट MJS की फाइल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोर्स को लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसको इनेबल भी किया हुआ है। और जस्ट मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आके मुझे एक एरे दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, और इस एरे के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि http://localhost5000 और localhost3000। ठीक है, मैंने कहा लोकल होस्ट 3000 से रिक्वेस्ट आएगी, 5000 को हटा देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भाई लोकल होस्ट 3000 से रिक्वेस्ट आएगी तो आपने कुछ भी नहीं बोलना है, आपने उसको आने देना है। ठीक है, आ जाओ अब इसको दोबारा ट्राई करते हैं। अरे क्या बकवास है यार, अभी तो सही किया इसको मैंने। अब नेटवर्क में चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। यार लोकल होस्ट 3000 मैंने यहाँ लिखा हुआ तो है, अब क्या मसला है। एरे हटा दिया मैंने, उसको प्लेन कर दिया। अब यार मुझे याद पड़ रहा है कि शायद मुझे कोर्स में भी बताना पड़ता है कि ये लोकल होस्ट 3000 से तो आएगी रिक्वेस्ट, लेकिन वो साथ क्रेडेंशियल भी लाएगी, मुझे ऐसा कुछ याद पड़ रहा है। देख लेते हैं चल के। ठीक है, ठीक है, कोर्स कोर्स, हाँ मुझे याद पड़ रहा है कुछ इस तरह का है चक्कर। ओ यस, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ओरिजिन ट्रू और क्रेडेंशियल ट्रू, ये मुझे कोर्स में भी मेंशन करना पड़ता है क्योंकि मैं सेम ओरिजिन पे नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे मेंशन करना पड़ रहा है ये। ठीक है, मैं कहूँगा यार ओरिजिन स्टैरिक, स्टैरिक भी दे सकता हूँ मैं और इसको इस तरह भी बता सकता हूँ। ठीक है, स्टैरिक ओरिजिन को एक्चुअली मैं एक एरे देता हूँ। ठीक है, स्टैरिक भी दे सकता हूँ, लोकल होस्ट 3000 भी दे सकता हूँ साथ, लेकिन स्टैरिक में शायद अभी अलाउ भी नहीं करता। गूगल क्रोम ना स्टैरिक पे मस्ती करता है, बोलता है यार स्टैरिक क्या होता है बताओ एग्जैक्टली बताओ ना। हाँ चल तो गया ये। अच्छा स्टैरिक को लेकिन मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ यार इस डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी। अच्छा जब मैं इसको कहीं होस्टिंग कर दूंगा इसकी फायरबेस वगैरह पे, तो मैं वो डोमेन बताऊंगा जो मेरे फ्रंट एंड जहाँ खड़ा हुआ है ना, जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, मैं वो यहाँ बताता हूँ सर्वर पे कि भाई इस डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी, तो आपने उसको एक्नॉलेज करना है। जब गूगल क्रोम आपसे पूछे तो आपने एक्नॉलेज करना है कि यार सर्वर पे लिखा हुआ है कि इस डोमेन से रिक्वेस्ट आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको अगेन, और abc@abc.com 1234 और एंटर। ठीक है जी, ये लॉगिन का मेरे पास रिस्पांस आ गया प्रीव्यू पे, लॉगिन सक्सेसफुल, और मुझे यहाँ पे
एप्लीकेशन के ऊपर अब यहाँ पे क्या दिख जाना चाहिए मुझे, ये टोकन मेरा यहाँ पे दिख चुका है, सही है, और जो टोकन का जो एक्सपायरी वगैरह है वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक्सपायर्स में इसमें लिखा हुआ है सेशन है, ये सेशन टोकन है ये, ठीक है। कि जैसे ही मैं क्या करूँगा, इस टैब को बंद करूँगा, ठीक है, और दोबारा इसको मैं खोलूँगा तो ये टोकन जा चुका होगा। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। अबे नहीं गया यार, अच्छा सेशन टोकन फिर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या बकवास है ये। अच्छा तो देख लेते हैं हमने जनरेट किस तरह से करवाया है। जनरेट करवाते हुए एक्चुअली बताना पड़ता है कि अच्छा मैंने अपने JWT पे तो बोला हुआ है कि 24 आवर में एक्सपायर होगा, बट रिस्पॉन्स डॉट कुकीज पे यहाँ पे सेट करवाते हुए मैंने कोई एक्सपायरी सेट नहीं की है, तो यहाँ पे भी मैं एक्सपायरी सेट ऐसे करवा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। जब यहाँ पे मैं एक्सपायरी सेट करवाऊँगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उतने ही टाइम बाद एक्सपायर करेगा, मतलब एक्सपायर करने का मतलब है कि ब्राउज़र से वो वैनिश कर देगा उतनी देर बाद, लेकिन मैंने यहाँ से इसको वैनिश नहीं करवाया। अच्छा आई एम नॉट श्योर कि अब एक्सपायरी पास ना करो तो वो सेशन टोकन बन जाना चाहिए था, और जो लिखा हुआ भी आ रहा है, लेकिन सेशन टोकन बनने के बावजूद वो क्या हो रहा है, यहाँ से जा नहीं रहा, ठीक है, यहाँ से जा नहीं रहा। आई थिंक सेशन टोकन जो टैब बंद करने से नहीं जाता, ब्राउज़र बंद करने से जाता है पूरा, है ना। लेकिन यार टैब बंद करने से चला जाना चाहिए ना सेशन टोकन, सेशन टोकन सेशन कुकीज, सेशन टोकन व्हाट आर सेशन कुकीज, सिंपल टेक्स्ट फाइल इंस्टॉल ऑन वेब डिवाइस टेम्पररी, इट हेल्प्स व्हेन सेशन कुकी एक्सपायर्स, सेशन कुकी एक्सपायर वंस यू लॉग ऑफ और क्लोज द ब्राउजर, अच्छा नॉट द टैब, हाँ पूरा कह रहा है ब्राउजर से होना पड़ेगा। वेल तो मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगा, मैं यहाँ पे कोई ना कोई वो चीज़ लिखवा दूंगा कि जिस पे ये एक्सपायर इस तरह से हो, और उसको मुझे न्यू डेट में प्लस करना पड़ेगा कुछ टाइम ऑब्वियसली, ठीक है। तो न्यू डेट में मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर मैंने करंट टाइम को पकड़ा हुआ है क्या, यहाँ पे करंट टाइम कहीं पे भी नहीं पकड़ा हुआ ना मैंने। कैसे बना दें इसका हम 24 आवर के बाद वाला, वेल एक्सपायर्स में भी शायद इस तरह कुछ होता है। रिस्पॉन्स डॉट कुकी के डॉक्यूमेंट में चलते हैं, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ के डॉक्यूमेंट में जब मैं जाऊंगा ना तो वहाँ पे भी कोई ना कोई उसके प्लेस होल्डर्स होंगे कि अभी से 24 आवर के बाद वाला या इस तरह। रिस्पॉन्स डॉट कुकी एक्सपायर, इसमें तो एक्सपायर का कोई जिक्र ही नहीं है, एक्सपायर्स एक्चुअली एक्सप्रेस के अपने डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं एक्चुअली। एक्सपायर्स जो है वो डेट है, इफ़ नॉट अ स्पेसिफाइड सेट जीरो क्रिएट अ सेशन टोकन, ठीक है। हमें सेशन नहीं बनाना, अदरवाइज क्या होगा, ब्राउजर बंद होते ही मेरा लॉग आउट हो जाएगा वो, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसको हम थोड़ा आगे कर दें। अच्छा यहाँ पे भी इसने न्यू डेट में प्लस करवाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं प्लस नहीं करना पड़े कुछ, ज़रा मैं इसको इस तरह का दे दूँ ना कि 4D लिख दूँ ऐसे, या इस तरह की कोई चीज़ कर दूँ। ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं हो रहा है लेकिन सही है, तो चुप करके आगे इस तरह ये न्यू डेट जैसे इसने किया ना 9000 वाला, ये वाला कर देते हैं, ठीक है यार। बस ये कितने बनते हैं मिली सेकंड्स में देख लेते हैं ज़रा, मिली सेकंड्स इन 24 आवर, ठीक है जी। ओड़े भाई अच्छा खासा आ गया ये, तो ये है मेरे पास भाई 864 और ये 4 दफ़ा 0, ये है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ये 24 आवर के जो भी मिली सेकेंड से वो मैंने यहाँ लगा दिए, तो क्योंकि यहाँ भी मैंने 24 लिखा है तो यहाँ भी मैं 24 लिख देता हूँ, तो 24 आवर के बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ब्राउज़र से मेरे वैनिश हो जाएगा, ठीक है। अब जाके मैं यहाँ पे करूँगा ना जब साइन अप लॉग इन दोबारा से, इसको मैं यहाँ से क्लियर मार देता हूँ टोकन को, और मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखता हूँ, लॉग इन मारता हूँ, तो यहाँ पे अब की बार जो है ना देखो एक्सपायरी मेरे पास क्या आई है,
ये एक्सपायरी आ गई है मेरे पास, एक डेट लिखी हुई है इसमें 15:07 लिखी हुई है, कल की डेट 27 तारीख 15:07, ठीक है, आज 26 तारीख है। अच्छा 15:07 क्यों? क्योंकि ये GMT 0 में टाइम आ रहा है वो, ठीक है, हम +5 हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इसको क्या करोगे, +5 करके समझोगे, तो ये 15:07 है, तो 15 में 5 मिलाओ 20:07, ठीक है, तो 20 बज रहे हैं अभी एक्चुअली, यानी कि 8 बज रहे हैं अभी, तो कल, हाँ वो इस तरह से हो सकता है कि जब जब आप, अभी तो देखो लॉगिन पे एक टोकन बना ना, तो लॉगिन का जो टोकन बनाएंगे वो बना देंगे मिसाल के तौर पे 1 घंटे का आपने टोकन बना दिया लॉगिन पे। अच्छा उसके बाद क्या करोगे आप, जब जब कोई रिक्वेस्ट आएगी, कोई भी रिक्वेस्ट, लाइक किया आपने, कॉमेंट किया या पेज जस्ट रिफ्रेश किया, तो मैं चेक करता हूँ टोकन को और मैं देखता हूँ कि यार अगर ये एक्सपायर होने वाला है तो मैं एक नया टोकन इशू कर देता हूँ, आपको पता नहीं लगता, पीछे एक नया टोकन आ जाता है, और टोकन इशू किस तरह होगा, सेम इसी तरह होगा, सही है। तो आप अगर उसको कंटिन्यूसली वेबसाइट को विजिट करते रहोगे आप, तो हर एक एक घंटे पे आपको वो नया टोकन इशू करता रहेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा देर तक उसको यूज़ नहीं करोगे, आपका टोकन एक्सपायर होगा, 3-4 घंटे आपने यूज़ नहीं किया, फिर आप चलाते हो तो आपको वो एक्सपायर शो कर देता है, ठीक है। फेसबुक एग्जैक्टली यही काम करता है, फेसबुक आपको जो इनिशियली टोकन देता है वो देता है पता नहीं शायद 6 घंटे का देता है, ठीक है। अब उनका वो एक पूरा एल्गोरिथम बना हुआ है जो डिसाइड करता है कि आप इस बंदे को कितने घंटे का टोकन देना है, ठीक है। तो इनिशियली वो शायद इस तरह कुछ करता है कि 6 घंटे का टोकन देता है, ठीक है। तो उस डिवाइस के ऊपर अगर आप उसको 2-3 घंटे 4 घंटे तक आप यूज़ करते हो, अब वो 6 घंटे ख़त्म होने वाले हैं और आप अभी भी यूज़ कर रहे हो अगर, तो वो क्या करता है, आपको अगले 24 घंटे का दे देता है। फिर अगले 24 घंटे का मतलब है कि आज अगर आप अभी इस टाइम यूज़ कर रहे हो तो कल भी आपने सुबह अगर यूज़ कर लिया तो आपको फिर वो 3 दिन का टोकन दे देता है। वो रैंडमली डिसाइड करता है कि किस बंदे को कितना टोकन देना है, ठीक है। तो फिर वो 1 हफ्ते तक का टोकन भी दिया हुआ होता है उसने आपको। अच्छा फेसबुक की अगर ऐप आप बहुत दिन तक ना खोलो तो वो लॉग आउट हो जाती है वो, लेकिन आप अगर रोज़ 1-2 दिन छोड़ के अगर आप चलाओ उसको तो फिर नहीं लॉग आउट होती है। ये मोबाइल ऐप और वेब ऐप दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन्होंने ना डायनामिकली ये डिसाइड कर रहे होते हैं, लेकिन शायद एक सिंपल केस के अंदर हमें इतना डायनामिकली डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक का केस जो है वो ज़रा सा एक्सेप्शनल केस इस वजह से है क्योंकि भाई 2 बिलियन यूज़र वो खुद कहते हैं कि जी हमारे पास हैं, तो टोटल 8 बिलियन आबादी है, तो समझ लो 25% ऑफ द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग फेसबुक ना, तो इसलिए वो ज़रा सा उनके लिए ये मामला ज़रा सा टफ़ हैं इनको हैंडल करना ना, और इसके अलावा भी बहुत सारे मामला हैं जो उनके लिए बड़े टफ हैं हैंडल करना। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हुई हैं जो काइंड ऑफ इन्वेंशनस हैं, फेसबुक ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हुई हैं जो एक्चुअली इन्वेंशनस हैं, तो यानी कि पूरा फ्रेमवर्क अपने लिए बनाया हुआ उन्होंने, इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। तो हमें शायद इस तरह का अल्गोरिथम लिखने की ज़रूरत शायद ना पड़े हमारे केस में, या अगर पड़ जाएगी तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। कैसे लिखोगे आप वो, कि जैसे ही रिक्वेस्ट आपके दाखिल होती है तो किधर से गुजरती है वो यहाँ से होके गुजरेगी ना, server.mjs में जाता हूँ मैं, वंस बंदा लॉगिन हो गया उसको आपने इनिशियली 6 घंटे का टोकन दे दिया, अच्छा उसके बाद ये हर रिक्वेस्ट आपकी इस के में से होके गुजरेगी, है ना, इसमें से होके गुजरेगी, तो इसमें आप लॉजिक लगा सकते हो एक कि जी ये जो टोकन लेकर आया है ये कितनी देर पहले का इशू हुआ हुआ टोकन है और उस दरमियान कितनी रिक्वेस्टें कर चुका है ये। इसके अंदर एक्चुअली आप फेसबुक तो हर चीज़ रिकॉर्ड करता है ना, हमने इतनी चीज़ें अभी रिकॉर्ड नहीं की हमारे केस में, तो एक्चुअली जब जब रिक्वेस्ट कोई सर्वर पे आती है तो हम उस रिक्वेस्ट को एक सेपरेट डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि भाई इस बंदे ने ये रिक्वेस्ट की है अभी, इस बंदे ने ये रिक्वेस्ट की है, इस आईपी से ये रिक्वेस्ट आई है और इस ईमेल से लॉगिन है बंदा, तो पूरी एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अच्छा जी ये रिक्वेस्ट जो है कब हुई है, ये 3 घंटे पुराना टोकन है और अगले 3 घंटे में एक्सपायर होने वाला है, तो मैं ये चेक करूँगा कि पिछले 3 घंटे में इसकी कितनी रिक्वेस्ट आई है और किस किस आईपी से आई है। अगर सेम आईपी से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होगी सेम ईमेल से, तो मैं शायद उस कोई क्राइटेरिया सेट करके उसको एक नया टोकन इशू कर दूँ जो थोड़ी देर का हो, ठीक है। तो ये इस तरह के काम मैं इसके अंदर कर रहा, इस वाले टोकन हैंडलर के अंदर। वेल, तो हमने इस पॉइंट पे क्या कर लिया, हमने अपनी जो लॉगिन की API है वो रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट कर ली और टोकन मेरा यहाँ पे आके सेव हो गया है। अच्छा, तमाम सब सीक्वेंट जो रिक्वेस्ट होगी जो मेरे फ्रंट एंड से जा रही होगी उसमें मैं क्रेडेंशियल ट्रू लगा के भेजूंगा तो ये टोकन मेरे सर्वर पे मुझे मिल रहा होगा, ठीक है। विद क्रेडेंशियल नहीं लगाऊंगा तो टोकन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो साइनअप की API इंटीग्रेशन के अलावा अभी कोई सवाल तो नहीं रह गया इसके अंदर।
साइन अप की एपीआई की इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, अब हम जरा अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो यहाँ पे पूछ सकता है। वो जिस तरह प्लेन एचटीएमएल में इंटीग्रेट हुई थी सेम वही तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जस्ट डिफरेंस ये है कि इसके अंदर ज़रा सा कंपोनेंट के अंदर से हम हिट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बटन प्रेस करने पे एक फंक्शन चलता है, वो फंक्शन एक्सियोस की रिक्वेस्ट लगाता है। एक्सियोस की रिक्वेस्ट में मैं क्रेडेंशियल ट्रू डालता हूँ। पीछे की जो बैकेंड की जो एपीआई है वो वही है जो प्लेन एचटीएमएल में थी, ठीक है। रिएक्ट के फ्रंट एंड से भी जब रिक्वेस्ट करते हैं हम, तो https ओनली कुकीज़ में हम रखवा रहे होते हैं टोकन को, जो कि मेरे जावास्क्रिप्ट की को एक्सेसिबल नहीं होती। मेरे जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अगर मैं उसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। वो ब्राउज़र के अंदर होती है, एज अ यूज़र मैं उसको देख सकता हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट से हैंडल नहीं कर सकता उसको मैं, ठीक है यार। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं।